स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है उसका हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि दो शिफ्टों का और कल के जो दो शिफ्ट हुए थे और आज का जो एक शिफ्ट हो चुका है उसके आधार पर हम लोग आज के सेशन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ओके, कितना कट ऑफ जा सकता है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, कल जो पेपर हुआ था और आज का जो पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है, आज का तो थोड़ा सिंपल सा आया है लेकिन कल का जो था पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो देखिए, उसके आधार पर जनरल का अगर कट ऑफ देखें तो जनरल का ये कट ऑफ आपका रह सकता है लगभग 58 से 64 मार्क्स के बीच में आपका जनरल का कट ऑफ रह सकता है। और अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में ये आपका कट ऑफ रह सकता है लगभग एक्सपेक्टेड 52 से 58 मार्क्स के बीच में। और अगर गाइस एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनके लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है 49 से 52 मार्क्स के बीच में। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कट ऑफ रह सकता है 42 से 46 मार्क्स के बीच में। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।